हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक स्टेटर जिसमें हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग रखते हैं। और एक रोटर जिसमें हम लोग एक कंडक्टर रखते हैं। नाउ स्टेटर में हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग रखे हैं जिसके वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और फ्लक्स का डायरेक्शन अज्यूम करो, यहाँ से ये फ्लक्स का डायरेक्शन है फ्रॉम स्टेटर टू रोटर। इनिशियली हम मान के चले हैं कि मेरा जो ये कंडक्टर है, यहाँ पे जो कंडक्टर है ये इनिशियली कैसा है, स्टेशनरी है, ओके, रोटेट नहीं हो रहा है। नाउ जैसे ही हम यहाँ पे थ्री फेज वाइंडिंग में सप्लाई देंगे, यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर ये स्टेशनरी है, ये कंडक्टर स्टेशनरी है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये अपना डायरेक्शन किस तरफ एक्सपीरियंस करेगा। सपोज़ करो इसके रिस्पेक्ट में अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, स्टेशनरी है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, राइट। एग्जांपल के तौर पे ले लो, एक ट्रेन है, ट्रेन का डायरेक्शन इस तरफ है और प्लेटफॉर्म पे एक बंदा खड़ा है, ओके। तो अगर ट्रेन में तुम बैठ के देखोगे तो ये बंदा का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इस साइड, इस पर्सन का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इस साइड, और इसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा डायरेक्शन किधर है, इधर। मूव कौन हो रहा है, ट्रेन हो रहा है, राइट। लेकिन अगर तुम ट्रेन में बैठ के देखोगे तो इस पर्सन का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, ओके, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये कंडक्टर है, फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है और कंडक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर, ओके, मोशन ऑफ कंडक्टर, ओके, मोशन ऑफ कंडक्टर रिलेटिव टू फील्ड, ओके। तो इस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव हो रहा है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करंट जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, स्क्रीन के बाहर के डायरेक्शन में, राइट। नाउ इस कंडक्टर में करंट क्यों जनरेट हो रहा है, देखो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से उसमें एक वोल्टेज जनरेट होगा, रोटर के कंडक्टर में एक वोल्टेज जनरेट होगा। और अगर इस कंडक्टर को हम शॉर्ट, मतलब क्लोज सर्किट में रखेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस और स्लिप रिंग, तो उसमें करंट फ्लो होगा, ओके। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, स्क्रीन के बाहर के डायरेक्शन में। नाउ इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगा तो इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। राइट हैंड थंब रूल अगर यहाँ पर लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और इसके वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर पे एक फोर्स जनरेट होगा, राइट। क्योंकि देखो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगा जो कंडक्टर को रोटेट करेगा। तो अब कंडक्टर में करंट है और इसको हम लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन है, स्क्रीन के बाहर फ्लक्स का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड, ओके। नाउ यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ऑन कंडक्टर इज इन सेम डायरेक्शन
ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इस साइड है, इस डायरेक्शन में। और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो भी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, राइट। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है? टेंजेंशियल है, राइट, टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द रोटर। और इसके वजह से रोटर पे क्या हो रहा है? टॉर्क डेवलप कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडक्टर का हम यूज़ किए हैं, फोर्स जो है वो टेंजेंशियली लग रहा है और उसके वजह से टॉर्क डेवलप हो रहा है रोटर में। इस तरह का टॉर्क, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह का टॉर्क मोटर के हर डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो इसके वजह से क्या है, मोटर जो है वो मूव करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि रोटर में सपोज करो यहाँ पे एक रोटर है, इसके कंडक्टर में इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो यहाँ पे तो और भी कंडक्टर होगा, तो सब जगह टेंजेंशियली फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, मोटर रोटेट करेगा किस डायरेक्शन में? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ओके, दस हमारे पास जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, और इसको इंडक्शन मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि क्योंकि इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो इंड्यूस्ड वोल्टेज पर डिपेंड करता है।